हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हर्ट में। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 2 अक्टूबर 2018 में जो जो गवर्नमेंट जॉब निकला हुआ है या बेस्ट गवर्नमेंट जॉब है उसके बारे में। तो इसके लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो पहले नंबर पर जो जॉब है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC के बारे में पोस्ट है, सिलेक्शन फेज सिलेक्शन फोर्स 1136 पोस्ट है, 60 टाइप ऑफ जॉब जो कि यहाँ पे है। इसका जो लास्ट डेट है 12 अक्टूबर 2018 में। एलिजिबिलिटी है ग्रेजुएशन 10th 12th और ग्रेजुएशन पास आपके इसके लिए आपको लगेगा। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 18 to 25 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। इसके साथ साथ यहाँ पे एग्जाम फीस जो कि रहेगा 100 एंड सैलरी जो रहेगा गुड सैलरी। तो यहाँ पे कुछ भी सैलरी स्पेसिफिक नहीं बोला गया है, आपको यहाँ पे सैलरी अच्छा खासा मिलेगा। तो सेकंड पोजीशन में जो है उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन UK PSC 24 सिविल जज जूनियर डिवीजन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि है LLB डिग्री 22 से 35 ईयर से अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है 29 अक्टूबर 2018। एग्जाम फीस जो आएगा इसका 185 रुपीज, सैलरी आएगा 27,000 to 44,000 पर मंथ। तो दोस्तों, इसके बाद बात करेंगे और एक गवर्नमेंट जॉब जो कि है थर्ड पोजीशन में इसके बारे में। तो इसके लिए अब इसका लास्ट पोजीशन जो कि है थर्ड पोजीशन में है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन UPPSC जिसका पोस्ट है 3047 सिविल जज मेडिकल ऑफिसर ट्रिबल ऑफिसर रिसर्च ऑफिसर आदर। इसके लिए आपको एलिजिबिलिटी या क्वालिफिकेशन जो चाहिए आपको यहाँ पे बैचलर डिग्री डिप्लोमा PG LLB MBBS। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 21 से 45 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। उसके बाद मैं बात करूँगा लास्ट डेट जो कि है 1 नवंबर 2018। एग्जाम फी जो रहेगा यहाँ पे 125, सैलरी रहेगा 9,300 से 1,77,500 तक। तो ये UPSC के जो कि रिसेंटली जॉब निकला हुआ है गवर्नमेंट जॉब। इसके बाद बात करेंगे इंडियन आर्मी के पोस्ट जो निकला हुआ है 20 हविलदार सर्वियर ऑटोमेटेड कार्टोग्राफर जो कि एलिजिबिलिटी इसका है 12th ग्रेजुएशन डिग्री। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 20 to 25 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। 1 अक्टूबर 2018 में आपको 18 होना चाहिए। उसके बाद लास्ट डेट है यहाँ पे 3 नवंबर 2018 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। नो फीस यहाँ पे कोई भी फीस नहीं लगेगा, सैलरी यहाँ पे अच्छा खासा है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड की जो कि नाभिक में इसका पोस्ट हुआ है। जो क्वालिफिकेशन यहाँ इस यहाँ पे है 8th 10th पास पोस्ट है कुक एंड स्टीवर्ड के। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 18 से 22 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन डेट जो कि अप्लाई डेट जो है 16 to 29 अक्टूबर 2018। एग्जाम फी यहाँ पे कोई भी नहीं लगेगा, कोई भी चार्ज भी यहाँ पे नहीं लगेगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे सैलरी जो रहेगा 21,700 पर मंथ। तो दोस्तों, यहाँ पे सैलरी जो है अच्छा है। इसके बाद मैं बात करूँगा और एक गवर्नमेंट जॉब कि उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड शाहगा जो कि 73 सफाई वाला एलिजिबिलिटी जो कि 8th पास। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 18 to 25 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते। लास्ट डेट है 29 अक्टूबर 2018। एग्जाम फी है 200 रुपीज़ फॉर जनरल OBC वालों के लिए, SC ST के लिए कोई भी यहाँ पे नहीं लाएगा। सैलरी रहेगा 15,500 रुपीज़ पर मंथ। तो दोस्तों, इसके बाद बात करेंगे RITES लिमिटेड जो कि इसका पोस्ट है 40 असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन। एलिजिबिलिटी है इसके लिए डिप्लोमा ITI। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम जो कि 40 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जो कि है 23 अक्टूबर 2018 तक अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी एग्जाम फी आपको नहीं लगेगा, सैलरी आएगा 18,000 से 66,000 पर मंथ। ऑनलाइन फॉर्म है इसके लिए। इसके बाद बात करेंगे और एक गवर्नमेंट जॉब जो कि है छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि CGPSC पोस्ट है। यहाँ पे 164 है स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन 2018। एलिजिबिलिटी है इसके लिए ग्रेजुएशन पास होना पड़ेगा और कोई भी स्ट्रीम से अगर आप कंप्लीट कीजिए
कर चुके हैं आपका ग्रेजुएशन, आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें 20 से 30 ईयर्स तक अप्लाई कर, लास्ट डेट है 5 जनवरी 2019। एग्जाम फी है यहाँ 400 रुपीज़। सैलरी यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं बोला गया था, यहाँ पे अच्छा खासा सैलरी आपको मिल जाएगा। दोस्तों इसका भी फॉर्म है ऑनलाइन, आप लोग ऑनलाइन में जाके अप्लाई कर सकते हैं, इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। तो उसके बाद बात करेंगे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस AIIMS दिल्ली 2000 नर्सिंग ऑफिसर ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए, उसके साथ साथ डिप्लोमा इन नर्सिंग। 21 से 30 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। लास्ट डेट जो कि यहाँ पे है 29 अक्टूबर 2018। तो दोस्तों इसके साथ साथ मैं बात करूंगा एग्जाम फी। तो यहाँ पे आपको एग्जाम फी जो देना होगा 1500 रुपीज़। सैलरी रहेगा 9300 से 34800 पर मंथ। इसका भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा, ऑनलाइन फॉर्म है, आप लोग वहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हैं। हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ जिसका पोस्ट है 61 स्टेनोग्राफर, एलिजिबिलिटी जो है ग्रेजुएशन डिग्री आपको चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 21 से 30 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट है 12 अक्टूबर 2018। नो फीस, यहाँ पे कोई फीस नहीं लगेगा ऑफलाइन इसका। वेस्टर्न रेलवे की बात करें तो यहाँ पे 21 पोस्ट है स्पोर्ट्स क्वार्टो, जिसका एलिजिबिलिटी है 12 पास ग्रेजुएशन पास वो भी अप्लाई कर सकते इस पोस्ट के लिए। तो दोस्तों इसके बाद बात करेंगे एज लिमिट 18 से 25 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते। अप्लाई डेट जो है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक अप्लाई कर सकते। एग्जाम फी है इसके 500 रुपीज़। जो इसके सैलरी रहेगा 19,900 से 92,300 पर मंथ। ऑनलाइन लिंक, ऑनलाइन एप्लीकेशन है, नीचे लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके अप्लाई कर सकते। उसके बाद बात करें AIIMS रायपुर, जिसका 16 नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ नर्स ग्रेड 2 के जो पोस्ट है BSc नर्सिंग डिप्लोमा इन GNM के एलिजिबिलिटी है। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 21 से 30 ईयर्स अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है इसका 12 अक्टूबर 2018। एग्जाम फी है यहाँ पे 1000 रुपीज़ फॉर द जनरल OBC वालों के लिए। सैलरी रहेगा 9300 से 34800 पर मंथ। ऑनलाइन एप्लीकेशन है, इसका लिंक है नीचे दे दूँगा, आप लोग चाहकर अप्लाई कर सकते। उसके बाद बात करेंगे साइनिंग स्कूल कुंजपुरा हरियाणा, जो पोस्ट है 2 PGT बायोलॉजी एंड LDC। इसके लिए एलिजिबिलिटी चाहिए आपको 10th PG B8। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 18 से 50 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ लास्ट डेट जो है 12 नवंबर 2018। एग्जाम फी है 500 रुपीज़ फॉर ऑल कैंडिडेट। सैलरी रहेगा 5200 से शुरू होगा, 34000 पर मंथ इसका जो सैलरी रहेगा। ऑफलाइन मोड है, इसका डिटेल्स मैं नीचे दे दूँगा, आप लोग जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद है अटारी बॉर्डर क्वाट्रेन एंड एयरपोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अमृतसर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। 5 पोस्ट है वैकेंसी, फील्ड वर्कर 10th पास के लिए एलिजिबिलिटी है। 18 से 25 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते। लास्ट डेट जो है 5 नवंबर 2018। एग्जाम फी यहाँ पे कोई भी नहीं है। सैलरी रहेगा आपका 5200 से शुरू होगा, 20,200 पर मंथ इसका सैलरी रहेगा। तो दोस्तों इसके बाद बात करेंगे IIT पटना, जिसका 29 जूनियर असिस्टेंट, जूनियर सुपरिंटेंडेंट, स्पोर्ट ऑफिसर, प्लेसमेंट ऑफिसर एंड अदर। एलिजिबिलिटी है इसके लिए 12 पास BTEC ग्रेजुएशन, PG MBA MBBS। तो दोस्तों इसके बाद बात करेंगे एज लिमिट के, तो मैक्सिमम 50 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। तो उसके बाद जो कि है यहाँ पे लास्ट डेट है 5 नवंबर 2018 तक अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम फी जो कि है 500 से लेके 1000 तक आपका एग्जाम फी देना होगा। सैलरी पे कुछ भी नहीं बोला गया, आपको सैलरी अच्छा खासा मिल जाएगा। ऑफलाइन मोड है, आप लोग ऑफलाइन जाके अप्लाई कर सकते। उसके बाद है नेशनल हेल्थ मिशन, जो कि NHM UP के लिए जो पोस्ट है 936 स्टाफ नर्स, कैब टेक्नीशियन, OT टेक्नीशियन। एलिजिबिलिटी रहेगा 12 डिप्लोमा BSc नर्सिंग ग्रेजुएट। उसके बाद है एज लिमिट की बात करते हैं 18 से 40 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते। लास्ट डेट जो है 14 अक्टूबर 2018। एग्जाम फी कोई भी नहीं लगेगा। सैलरी रहेगा 14,000 से शुरू होगा, 25,000 तक आपको जो सैलरी रहेगा पर मंथ। ऑनलाइन लिंक, ऑनलाइन जॉब है, आप लोग ऑनलाइन में जाके अप्लाई कर सकते, इसके लिंक मैं नीचे दे दूंगा। उसके बाद आता है MSTC लिमिटेड, जो कि मिनी राजना कंपनी, 26 के जो कि JCA पोस्ट है, RCTO स्टेनोग्राफर, ड्राइवर,
पियोन। तो उसके पोस्ट के जो एलिजिबिलिटी है 10th ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा। एज लिमिट की बात करते हैं यहाँ पे 18 to 28 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। और लास्ट डेट जो है 21 अक्टूबर 2018 तक। एग्जाम फीस का रहेगा 250 रुपीज़। सैलरी रहेगा 15,000 से शुरू होगा, 30,000 पर मंथ इसका सैलरी रहेगा। इसके साथ साथ इसका ऑनलाइन फॉर्म है, आप लोग जाकर ऑनलाइन में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बात करूंगा जो कि है और एक गवर्नमेंट जॉब, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड ECIL। 30 अकाउंट ऑफिसर, मैनेजर, पर्सनल ऑफिसर, परचेज ऑफिसर एंड अदर के जो कि पोस्ट निकला हुआ है। एलिजिबिलिटी जो कि है यहाँ पे बीटेक, पीजी, सीए, ICWA। मैक्सिमम जो कि इसका एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 50 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जो इसका है 15 अक्टूबर 2018 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम फी यहाँ पे 500 रुपीज़ फॉर जनरल ओबीसी वालों के लिए। सैलरी रहेगा 57,000 पर मंथ। ऑनलाइन एप्लीकेशन है, आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाके अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ कोई भी कंफ्यूजन होता है कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद बात करेंगे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 25 क्राफ्ट्समैन एंड प्रोसेस टेक्नीशियन के जो कि पोस्ट निकला हुआ है। एलिजिबिलिटी है डिप्लोमा। एज लिमिट की बात करें तो 18 to 30 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते। लास्ट डेट जो है 24 अक्टूबर 2018 तक अप्लाई कर सकते। एग्जाम फी जो की है यहाँ पे कुछ भी नहीं लगेगा। और सैलरी जो रहेगा 13,000 से शुरू होगा, 41,000 पर मंथ। ऑनलाइन इसका फॉर्म मिल जाएगा, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा। तो दोस्तों इसके बाद बात करेंगे और एक जॉब, तो आसाम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड जो कि APDCL पोस्ट है। 1957 सहायक ड्राइवर एंड अदर। एलिजिबिलिटी है इसका 10th ITI ग्रेजुएशन, 18 to 44 ईयर्स तक। लास्ट डेट है 31 अक्टूबर 2018। एग्जाम फी है 500 रुपीज़ फॉर ऑल कैंडिडेट। सैलरी रहेगा इसका 12,000 से शुरू होगा, 47,000 तक आपका सैलरी जो रहेगा पर मंथ। ऑनलाइन इसका भी लिंक है, इसका जो अप्लाई करने का लिंक है मैं नीचे दे दूंगा, आप लोग वहां से जाके अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह से और एक जो कि जो जॉब निकला हुआ है उसके लिए आप लोगों को बहुत सारे जो कि यहाँ पे वीडियो देखना होगा। तो इसके लिए मेरा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को, और लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलें। इसके साथ साथ अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों लास्ट जो कि गवर्नमेंट जो जॉब है इस वीडियो में, इसका नाम है VYPM मध्य प्रदेश, जिसका पोस्ट है 5,670 मिडिल स्कूल टीचर। एलिजिबिलिटी जो है ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा इन प्राइमरी एजुकेशन BA/BLAD। एज लिमिट की बात करें 21 से 40 ईयर्स तक अप्लाई कर। लास्ट डेट 28 अक्टूबर 2018। एग्जाम फी 500 रुपीज़। सैलरी रहेगा 30,800। तो सब लिंक मैं नीचे दे दूँगा, आप लोग जाके अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स।